जो बोले सो नरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज बहुत ही खुशी का दिन है, इतिहासिक दिन है कि सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हों का मंदिर दुगलकाबाद के बनया हुआ सी, जिहड़ा 650 साल पुराना राजा सिकंदर लोधी द्वारा जमीन दित्ती हुई सी, उत्थे मंदिर बनया हुआ सी बड़ा सुंदर। उन्हें पिछले साल DDA दिल्ली ने डिमोलिश करता सी और गेट तोड़ के उसे दीवार करके उन्हें बंद करता सी, जो अज सवेर तो दीवार तोड़ के उन्हें गेट लगा के उसे संगतों के दर्शन वास्ते ओपन किया जा रहा है। तो मैं सारी ही संगत को पूरे देश जिहड़ियां संगतों को लख लख मुबारकबाद दिनी है। आओ गुरु रविदास जी महाराज की जो बाणी बड़ी उच्ची सुची बाणी, ऐसी लाल कुछ भी न कौन करे, गरीब निवाज दुखियां मेरा माथे छतर करे, क्योंकि वह गरीबों निवाजन वाला दुखियां का दर्दी मजलूमों का सहारा, जिन्हें सारी मानवता एक माला के मोतियां चुकाने की कराने की गल की और उन्होंने बेगमपुर का जो सानू संविधान दिता, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैनू यहोजा देश चाहिए है कि जिथे कोई भुखा ना रहे, कोई घर तो वांझा ना रहे, कोई कपड़े तो नगन ना रहे, वांझा ना रहे। इक्वैलिटी का सानू उन्होंने संदेश दिता, उन्होंने जो मंदिर तोड़िया गया सीगा, क्योंकि असी इसे जून के महीने लास्ट ईयर 18 तरीक में जो इन्हों का पहले तुल की फरमान जारी होया सीगा कि डिमोलिश करना है, DDA का एक हुक्म होया सीगा, तो असी 19 तरीक उत्थे पहुँचे स और असी पूरा उत्थे सर्वे किया। बड़ा सुंदर मंदिर बनया सी, उन्हां सरोवर बनया सी और उत्थे स्कूल लग्या होया सी उन्हां दा, और जिहड़ा स्कूल सी उह डिमोलिश किया सीगा, तो उत्थे उन्हां दा बड़े सुंदर सरूप लग्या होया सीगा, तो असी उह दर्शन किए, 3 दिन रह के असी लाइव किया, पर उस वेले उन्होंने डिमोलिश नहीं किया, उत्थे जो पुलिस प्रशासन सी वापस चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही महीनों बाद ही उन्होंने उन्होंने डिमोलिश करता सीगा, तो वह बड़ा ही मंदभागा सी। पर अज सानू खुशी हुई है कि असी DDA का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इन्हों के पैरोकारों की आवाज़ को सुन के वो जो उन्होंने दुआ तोड़ के दर्शन वास्ते खोल दिता गया है। इन्होंने शब्दों के नाल पूरे ही मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि क्योंकि मीडिया अच बहुत व्डा एक जोड़ा बाबा साहब ने चौथा थंब बनाया सीगा, ये माध्यम तो जो साड़ी आवाज़ सच हक सच भी जिते भी साड़ी असी पहुँचा सकते हैं। ये जो साड़ा मीडिया है तुम देख रहे हो, ये बिल्कुल सच की गल करने वाला मीडिया है, क्योंकि इन मीडिया के कारण सदका ही असी जो अपनी आवाज़ है जो मंदिर तोड़िया गया सीगा वो सानू जो लाइव होकर पोस्ट आई सन इन्हों के माध्यम तो साढ़े को पहुंचिया, जो असी लाइव होकर लोगों को अपील की तो इन्हों के माध्यम तो ही समाज तक पूरे देश की गल पहुंची, तो जिन्हों लैके पूरे देश संगत पूरी स्टेटा तो संगत उत्तर पहुंचिया और उन्होंने अपना रोस प्रदर्शन किया, अपनी जो गुस्सा से जाहिर किया कि साढ़े गुरु रहिवर का मंदिर तोड़िया गया है। तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ और इन्होंने मैं परमात्मा के अगर अरदास करती हाँ कि इन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शिश करे, ता जो समाज की गल है, क्योंकि जोड़ा दूसरा मीडिया है बड़ा मीडिया है वह तो सरकार ने खर्च दे रहा है विक चुका है, पर यह जो साडा मीडिया है ये बिल्कुल निरोल काम करता है, बिल्कुल किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं करता। सो मैं इन्होंने चढ़ती कल की अरदास करती हाँ, उत्थे दोबारा सारिया संगतों को अपील करती हाँ कि आओ आप उस रहवर का उस दुनिया के मालक का ब्रह्मंड के मालक का आप जो घर सेगा बड़ा सुंदर सेगा आपू संभालिए, कोई संभाल करके आप दुनिया के लिए अजूबा बना दीए, क्योंकि साढ़ा एक मक्का बनना चाहिए। वो बड़ा इतिहासिक, क्योंकि राजा सिकंदर लोधी ने महाराज की जो बाणी तो प्रभावित होकर उन्होंने कौतकों तो प्रभावित होकर, क्योंकि बेगमपुर की गल करने वाले एक गुरु रविदास जी सन जिन्होंने 52 राजों अपने शिष्य बनाया और 52 राजे उन्होंने कदमा चुके, और सिकंदर लोधी राजे ने झुकाना कोई छोटी गल नहीं, तो खालो जी का बाड़ा नहीं, तो वह गुरु रविदास जी महाराज ने कि तलवार नहीं चुकी, कोई यहोजा काम नहीं किया, पर उन्होंने अपनी विचारधारा के नाल उस राजे ने भी अपने कदमा चुकाया और अपना शिष्य बनाया, जिसने उत्थे उन्हों का नाम दान लैन तो बाद उन्होंने इन्नी वड्डी जमीन किन्नी एकड़ जमीन 40-45 एकड़ के करीब जमीन जी उन्होंने दान की और उन्होंने फिर उत्थे विश्राम घर बना के दिता, बड़ा सुंदर घर बनाया उसी उन्हों का, और फिर उन्होंने कूह लगा के दिता जिते पानी पी सकन। गुरु रविदास जी महाराज बाणी सी पढ़िए गुनीए नाम सब सुनीए अनुभव भाव ना दरसे, तो उन्होंने लैके उन्होंने एक स्कूल बड़ा सुंदर बनाया सी, क्योंकि उन्होंने प्रूफ सानू मिले जोड़ा स्कूल बनया से जो वाशरूम बने से तो बड़िया सुंदर टाइलां लगियां सी, बाकी तो सारा मलबा डिमोलिश करके चुक के लगे सन, पर उन्होंने प्रूफ उत्ते मौजूद सन। जोड़ा उत्थे सरोवर बनया सी बड़ा सुंदर, वो भी असी तो इतिहास सुनिया कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम होंगी सी स्किन की, कोई शरीरक बीमारी होंगी सी, जो उत्थे आके इशनान कर लेंदे सन तो उसका शरीर बिल्कुल निरोल हो जाता सी, असी खुद दर्शन करके सुक्का हुआ सी।
पर उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी उन्होंने लेवल करनी, पर फिर भी वो बड़े प्रूफ पे सन। इसी तरह जो गुरु महाराज का जो खूह है बहुत डूंगा खूह, जिस तरह टाइम बीतता गया वो रिपेयर करते उच्चा लेके आ गए, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी ने वो जो जितने हम दोबारा महाराज स्वरूप स्थापित सेगा वो मंदिर बना के महाराज स्वरूप भी उन्होंने स्थापित किया और खूह की रिपेयर करके उन्होंने उपर लैके उन्होंने उत्तर नीह पत्थर लगा से बोर्ड लगा सगा। और जेड़े वो पूरे 10 किलोमीटर रोड आ उसका नाम भी जो गुरुदास जी महाराज ने रखा तो बाबू जगजीवन राम ने रखा से उत्ते बोर्ड लगे से कि गुरुदास मार्ग वो बिल्कुल नियर बाय बहुत वड्डी यूनिवर्सिटी है जामिया मसर, वो बहुत कोई वड्डे एकड़ा के यूनिवर्सिटी से भी देख के आए हैं। और वो तो 25 किलोमीटर अगर जाके डॉक्टर बी आर अंबेडकर का बहुत वड्डा विशाल जो उन्होंने स्तंभ बनया हुआ उस वे उन्होंने भी डिमोलिश कर रहे सन, पर यह बड़ी मंदभागी से असी बड़ा कोशिश की उस वे कि जिहड़ियां साडियां यादां हन उन्हां दी विरासत है इहनूं खत्म ना कीता जावे, पर अज्ज असीं उहनां दा धन्नवाद करदे हां कि उहदी दीवार तोड़ के उत्थे गेट लगाया जा रहा है और दर्शन वास्ते खोलिया जा रहा है। जैसा कि सारी संगतां नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय पिंग, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।